पुलिस दमन के खिलाफ कांग्रेस और लेफ्ट ने पश्चिम बंगाल में बुलाया 12 घंटे का बंद। कल कोलकाता में रोजगार के सवाल पर लेफ्ट के छात्र युवा संगठनों के मार्च पर हुआ था लाठीचार्ज। राजस्थान के हनुमानगढ़ में कांग्रेस किसान महापंचायत। राहुल गांधी फिर बोले, दो कॉरपोरेट घरानों के फायदे के लिए लाए गए कृषि कानून, पीएम मोदी पर लगाया भारत की जमीन चीन को सौंपने का आरोप। टीएमसी के राज्यसभा सदस्य दिनेश त्रिवेदी ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कहा महसूस कर रहे थे घुटन, बीजेपी में जाने की अटकलें। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की घेरेबंदी का आज 79वां दिन। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, कर्ज मुक्ति पूरा दाम की मांग पर गंभीर नहीं मोदी सरकार, महापंचायतों का तेज होगा दौर। पश्चिम बंगाल की चुनावी रैली में बुआ भतीजे की सरकार वाले अमित शाह के बयान पर ममता बनर्जी का पलटवार, पूछा अमित शाह के बेटे के पास कहां से आया इतना पैसा। कल से खुलेगा राष्ट्रपति भवन का ऐतिहासिक मुगल गार्डन, 21 मार्च तक सुबह 10 से शाम 5 बजे तक हो सकेगी सैर, ऑनलाइन बुकिंग के जरिए मिलेगी एंट्री। घरेलू हवाई उड़ानें हुई महंगी, सरकार ने अलग अलग रूट पर न्यूनतम और अधिकतम किराए में 10 से 30 फीसदी तक का किया इजाफा। लगातार चौथे दिन बड़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम में 28 से 29 और डीजल में 35 से 38 पैसे का इजाफा, दिल्ली में पेट्रोल 88 और मुंबई में 94 रुपए के पार। चीन ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस टेलीविजन के प्रसारण पर लगाया बैन, ब्रिटेन विदेश मंत्रालय ने कहा इस फैसले से दुनिया में चीन की साख होगी कम। कुछ दिन पहले चीन के सरकारी चैनल के ब्रिटेन में प्रसारण का लाइसेंस भी हुआ था निलंबित।